हेलो एवरीवन, तो आज मैं दिखाऊंगी आपको चॉकलेट से कुछ नया ट्राई करके। तो हम उसे बनाने के लिए हमारे पास चाहिए दो चॉकलेट्स, आप देख सकते हैं चॉकलेट्स यानी कि दो बड़ी सिल्क, और उसमें डालने के लिए टूटी फूटी या आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे हमें क्या क्या करना है, तो देखिए। हेलो गाइस, तो ये चॉकलेट को मैं धूप में 5 मिनट्स के लिए रखूंगी, एकदम कड़कती धूप में रखना है, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स। तो अब ये चॉकलेट को मैंने 5 मिनट्स के लिए रखा था, तो ये पूरी तरह से पिघल गई है, एकदम से नरम हो गई है। चलो आगे देखते हैं हम इसे क्या करेंगे। तो इसे हम पूरा खोलेंगे, रेपर को निकाल लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो कि पूरा पैकिंग निकाल के इसकी जो रेपर है इसे हम निकाल देंगे ऐसे। तो हमें एक बाउल में थोड़ा सा मिल्क ले लेना है, बस थोड़ा सा ही। अब हम इस मिल्क में जो चॉकलेट है उसे हम मिक्स करेंगे इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा लेके हमें सब डालना है इस तरह से, रेपर की सारी जो चॉकलेट है वो हम मिल्क में मिलाएंगे, मतलब निकाल लेंगे पहले। अब हम इस मिल्क को और चॉकलेट को इस तरह से हमें दोनों को मिक्स करना है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक कि ये पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक हमें इसे मिक्स करते रहना है, आप देख सकते हैं। अब ये चॉकलेट पूरी तरह से मिल्क में मिक्स हो चुका है। तो अब हम चॉकलेट को एक आइस डिश में सर्व करेंगे, मतलब डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हम पहले थोड़ी सी बर्फ जमाएंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी चॉकलेट इसमें डालेंगे, उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो हम थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डाल रहे हैं, आप देख सकते हो कि हमने कितनी मात्रा में इसमें चॉकलेट भरी है, और बाकी की चॉकलेट हमने बाउल में बचाई है, वो भी हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए हम आइस डिश को 5 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में जमाने के लिए रख देते हैं, आप ज़्यादा समय के लिए भी रख सकते हैं। तो अब ये जम चुका होगा, हम इसे निकाल के देख सकते हैं। आप इसे देखने के लिए थोड़ा सा टच कर के भी देख सकते हैं कि ये जम चुका है कि नहीं। तो ये अच्छी तरह से जम चुका है। अब हम इसमें पहले चॉकलेट्स, फिर इसमें जो डालने के लिए मैंने टूटी फ्रूटीज ली है वो, फिर जो ड्राई फ्रूट है, स्टिक्स है लगाने के लिए, और ये बची हुई जो चॉकलेट है वो, और मैंने ड्राई फ्रूट में जो बादाम लिए हैं वो, इन सब को लेके हम अभी जो बनाएंगे। तो पहले मैं जो ड्राई फ्रूट है मतलब बादाम है उसमें उसे मैं कटिंग करके उसे मैं बीच में पहले डाल दूँगी, क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो उसे पहले बीच में रख के मैं उसके ऊपर टूटी फूटी डालूँगी। तो टूटी फूटी इसको पता नहीं मतलब दूसरी जो लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पर हम तो टूटी फूटीज ही कहते हैं, आप जो भी इसे कह सकते हैं। आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे क्या कहते हैं। तो हमारे ख्याल से तो इसे टूटी फूटीज कहते हैं, और इसे हम रेड कलर में लाए तो आप इसे कलरफुल में देख सकते हैं, तो अलग अलग कलर में आता है, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स को हमें टूटी फूटी के ऊपर डालना है, ड्राई फ्रूट और टूटी फूटी के ऊपर। इस तरह से हम पूरा जो टूटी फूटी का कवर बना देंगे, मतलब ऊपर से हम इस तरह से उसे ढक देंगे। तो हमें स्लोली मतलब धीमे धीमे से ये सब जो बॉक्स है वो भरने हैं, क्योंकि चॉकलेट हमारे पास कितनी मात्रा में वो पहले देखने। तो जितना हमने लिया है उतने पोर्शन में तो ये हो ही जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा करके पहले भरना है, फिर जो बची कुची है वो सब में डाल देना है। तो इस तरह से मैं सारे चॉकलेट्स को पहले भर दूंगी। तो इस तरह से चॉकलेट्स हो गई है, अब हम इसे स्टिक करेंगे। तो स्टिक के लिए मैं थोड़ी सी छोटी स्टिक ली है, आप कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हो, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक वगैरह। अब इसे मैं इस तरह से अंदर होल्ड कर दे रही हूँ, जिससे हमारी जो भी चॉकलेट्स बनेगी वो जो कैंडी टाइप बनेगी उसे हम निकाल के अच्छे से खा सकते हैं।
तो इस तरह से मैंने सब में स्टिक करके अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दे रही हूँ। अब इसे हम ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं, इसलिए आप अपना जो फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो बढ़ा देना, क्योंकि अगर आपको जल्दी चाहिए तो हमने इसे रख दिया है। मैंने इसे थोड़ी देर बाद निकाल के देखा तो ये अभी जमा नहीं था, आप देख सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा समय तक रख के इसे जमा सकते हैं, लेकिन हमें इसे फ्राई करना था खा के, तो हम देखते हैं जम चुका है कि नहीं। तो मैंने चम्मच से इसे निकालने का थोड़ा मतलब ट्राई किया तो ये थोड़ा नहीं निकल रहा है, अभी तक पूरा जमा नहीं है। तो आप इसे जमा कर निकालें, लेकिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी है। मतलब आप खा के इसे दोबारा से ट्राई तो ज़रूर करने ही वाले हो पक्का। तो इस रेसिपी को